लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण के अंदर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। कल जेएनबीयू ओल्ड कैंपस के हॉकी मैदान में वारदात को अंजाम दिया गया था और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सरा देखिए, दो के पैर टूट गए हैं, एक का हाथ टूट गया है और इसी अंदाज में इनको कोर्ट लेकर जाया गया, जहां से सभी को रिमांड पर दे दिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कल आपको याद होगा जेएनबीयू के ओल्ड कैंपस में हॉकी मैदान में वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना ने पूरे राजस्थान को सन्न कर दिया था। हालांकि इस पूरी घटना के बाद राजनीति होती भी नजर आई थी, क्योंकि कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, जबकि एबीवीपी की तरफ से कहा गया कि हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। और जयपुर से लेकर जोधपुर और जोधपुर से लेकर दिल्ली तक इसी मामले को लेकर प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश जुड़ गए। शिवप्रकाश, न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद क्या पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, कल सुबह आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उनसे कोई बड़ी चीज ऐसी बरामदगी नहीं होनी है और पुलिस चाहती है कि इस मामले में जल्द से जल्द चालान पेश हो और उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई हो ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। इसी प्रयास में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इसी कारण आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और क्योंकि इनसे कोई बड़ी बरामदगी नहीं करनी, इसलिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए हैं और पुलिस अब जल्द से जल्द इस मामले में चालान पेश करने की तैयारी करेगी। जी शिवप्रकाश, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिस बच्ची के साथ इन्होंने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया वो इनको नहीं जानती थी, तो शिनाख्त कब तक कराई जाएगी इनको आमने सामने? ऐसा माना जा रहा है कि अब इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, तो अब इन सभी आरोपियों की यहाँ शिनाख्त। और जिस तरह से पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है, ऐसी उम्मीद है कि कल ही इन सभी आरोपियों की शिनाख्त परेड हो सके। अधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, पुलिस इसका जो है निर्णय लेगी। शुभ प्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।